हे गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। और आज है ये मेरा 2023 का आखिरी व्लॉग जो कि मैं शूट कर रही हूँ। ये आपको मिलेगा देखने को 2024 में, बट यू नो वी हैव कम आउट हियर फॉर आर लंच, अ न्यू ईयर लंच। इस टाइम हमने प्लान किया है कि वी विल नॉट गो अ नाइट पार्टी बिकॉज तीनों लोग उतने अच्छे नहीं है, वी आर नॉट कीपिंग हेल्थ वाइज टू गुड। तो लंच इज अ बेटर ऑप्शन यू नो, क्योंकि थोड़ी धूप निकली है एंड इट्स अ कम्फर्ट टाइम। एंड वी हैव कम टू अ न्यू प्लेस, वी हैव कम टू अ न्यू प्लेस विच हैज जस्ट ओपन यस्टरडे। सो लेट मी जस्ट शो यू गाइज अराउंड। सो दिस इज द प्लेस गाइड कॉल्ड नूशा ट्रॉपिकल ब्रू विला। सो ये आता है बेलेगेरी रोड पे। सो हुएवर स्टेज नियर वर्तूर यू गाइज वुड हैव सीन। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है, दो बड़े विलास को मिलाकर दे हैव मेड अ ब्रूरी। एंड लेट्स गो चेक आउट, कल ही इसकी ओपनिंग हुई है रात में। सो विच माई हस्बैंड जस्ट वाइल ही वॉज पासिंग बाय उनको पता चला एंड ही सेड कि लेट्स गो टू दिस प्लेस फॉर आर लंच टुडे। सो दे हैव ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सिटिंग हियर, लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस लुक्स। और ये इनका रिसेप्शन एरिया है, वो सामने है जो एंट्रेंस है, वहाँ से आप घुसते हैं और राइट में पड़ता है इनका रिसेप्शन एरिया। एंड दे हैव डेकोरेड इट रियली रियली ब्यूटीफुली। प्लेस लुक्स बहुत ही अमेजिंग यू नो, लुक एट द इंटीरियर गाइस, इट्स ऑसम। ओ माय गॉड, आई एम सो अमेज्ड दैट इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस यहाँ पे बेलेगेरी में खुल गई है। लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस लुक्स मैन, अमेजिंग। एंड इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया यार। और नई प्लेस है ना, तो आज इतने सारे नए नए लोग आ रहे थे एंड एवरीबडी वॉज सो इंटरेस्टेड टेकिंग द पिक्चर्स बिकॉज द प्लेस इज सो ब्यूटिफुल। एंड आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में पार्किंग यू नो, क्योंकि नई प्लेस है, लोग देख देख के रुक रहे हैं। एंड रात में यहाँ पे आज न्यू ईयर की पार्टी भी होने वाली है, बट वी आर नॉट कमिंग बिकॉज वी हैड आर डे टाइम एंड वी हैड गुड टाइम हियर, वी रियली एंजॉयड। जानू कैसा था? हां, इट इज ओके, इट्स गुड। Good. How was the ambience? How was the food? Ambience is good. Food is the same all over Bangalore, man. But अच्छा था, गंदा था? Yeah, it's okay. है ना, food तो अच्छा ही था यार. Variety है and taste wise also good. बहुत कम variety है. Baby आज पहला दिन है ना, so they would see कि उनको कैसा response आ रहा है and how people are turning up. How many people are turning up? First day, second day. मतलब कल रात को खुला है ना? Yes, yes, yes.
आज सेकेंड डे है, आपको नजर आ रहा है आपको। इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है सर जी के लिए, डोर वोर खोला जा रहा है, ऐसा कैसे हो गया? लग जाएगी। ओरे ओरे ओरे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो गया? किस बात की फाइट चल रही है, किस बात की फाइट चल रही है? क्यों खोलो, क्या किया जानू आपने? इसके तो सांस अटकी हुई है लग रहा है। क्यों सांस अटकी है भाई? हम मैं भी तो अंदर बैठा हूँ। नहीं, खोलो मम्मा। नो। अरे यार, तुम दोनों के बीच में तुम लोग मुझे क्यों फंसाते हो बीच में? मम्मा, अपने बच्चे के लिए तो। अपने बच्चे के? नहीं भैया, मेरे को मेरे पति की भी सुननी पड़ती है। पति 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 के साथ रहना है। खोलो। हुआ क्या है पहले बताओ तो। तो क्या हो गया यहाँ से? चलते गाड़ी में कूद रहे। चलो मैडम पीछे। अरे गोलू, मुझे घुसने में आधी अंदर मेरी कमर में चोट आ जाएगी। अरे मम्मा के पास। गोलू। मम्मा के पास। हाय लाम, लड़का मेरे को इतना मार रहा है। चलो ये ले नलायक। ये लॉक है। होगी खुशी? हाँ देखो लॉक। अब तो तुम चार क्या कहते हैं दरवाजा खोल के चलोगे क्या गाड़ी में? हाँ। ऐसा हंगामा मचाया गोलू ने दो मिनट में। जाता हूं मैं अब। जाना, तुम भी इमोशनल बैग में कर रहे हो, वो लड़का मेरे पीछे पड़ा है, दोनों लोग मेरी जान खा लो। लड़का 9 साल से जानती हो उसको तुम? लड़के साल को 20 साल से जानती हो और ये हालत है? 9 साल, वो मेरा कलेजा है, जिगर का टुकड़ा है। कलेजा फलेजा उसको मैंने पैदा किया है ना, मेरे जिगर के टुकड़े। दांत देखो उसके। तुम लोग मेरे को अपने बीच में मत पीसा करो, दोनों लोग अपने में डील किया करो। तो तुमको अलग रहना चाहिए ना, तुम क्यों पीस रही थी बीच में? तुमको किसी ने इनवाइट किया था? मैं तो अलग खड़ी थी, वो चिल्ला रहा है। तुमको क्यों पड़ी तुम बीच में जब हमारी दोनों आदमी की जो भी लड़ाई है? तो मम्मी मम्मी बुला रहे हैं तो माँ का दिल एकदम पिघल जाता है जब उसकी। तुम बीच में पड़ी ना, अब पिसो पिसो। तुमको बड़ी हंसी आ रही है मेरे को पिसा के गोलू? पापा पिसा रहे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो ओखली के नीचे होता है ना वो, और पापा वो है जो पीसता है। अच्छा, तुम ओखली के नीचे वाले हो, पापा ऊपर वाले है जो पीसता है। वो पीस रहे है और मैं सिर्फ वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। उतर के हम लोग चल देंगे, खोलती रह जाएगी दरवाजा। बेबी तुम मेरे साथ दोगे ना उस दिन, जिस दिन पापा ने ऐसा किया मेरे साथ? इसको तो डिक्की में डाल के बंद कर दो। लो बताओ, आज बेटे को बचाया तो बीवी से बदला लोगे? अब मैं बीवी ऐसा बदला? अब मैं इनकी बीवी को बचाऊंगा। ओए भगवान, ऐसा मेरा खुकार पति है बीवी से बदला लेगा? ए दादी को फोन करो, नानी को फोन करो, दादू को फोन करो। इंस्पायर्ड बॉय वन एंड ओनली पर्सन। सबको एक साथ कॉल करे गोलू? हां, इनके ऊपर क्या, इनकी वाट लगाने के लिए? देखो क्या बोल रहे हैं, दादी को फोन करो, नानी को फोन करो, दादू को फोन करो और नानू को फोन करो। किस लिए? ताकि पापा के बैंड बजे। शिकायत करेंगे सबसे? पापा को किसी से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कोई उनका नहीं कुछ। हम लोग इनको पानी में फेंक दे जिनको से स्विमिंग आती है भाई। इनको पानी में फेंक दे हम, लेकिन उनको स्विमिंग तो आती है। गोलू बहुत क्या कहते हैं खतरनाक वाले आइडिया आ रहे हैं आपको बदला लेने के लिए। तुमको पता है ना मैं तुमको पानी फेंक दूंगा तो क्या होगा? चुपचाप रहो गोले, ऐसे मत बोलो यार। पापा तुमको इतनी अच्छी पार्टी में लेकर आए अभी न्यू ईयर के लिए, इतना अच्छा अच्छा खाना खाया, आप क्यों बदला लोगे? ये मुझे जो कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं किया मैंने तुमको। वो लॉक है ना? हाँ। वो लॉक है ना, वो बाहर से खुलेगा भी नहीं। हेलो, तीन बित्ते के इंसान। अभी जो से छीक दूंगा तो उड़ जाओगे। और छीक रही हो ना? छीको। अभी आ नहीं रही है। देखो ये मेरे वाला कास्ट है ना, तभी मैं नहीं उड़ता। सो गाइज, आई होप 2023 आपका भी ऐसे ही हंसते खिलखिलाते खत्म हुआ होगा और 2024 आपका मंगलमय रहे, यही मेरी कामना है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपने अगले व्लॉग में। अंटिल देन, डू टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर।